हेलो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बिना तेल का होने वाला है, जिसे हम बिना तेल का बनाएंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आज के नाश्ते को हम बनाएंगे काले चने से। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक कटोरी जो है वो काला चना लिया है, जिसको कि भिगा लिया था और ये 2 से 3 दिन तक के हो गए हैं, जिसे चने अंकुरित भी हो गए हैं। आप तुरंत इसे 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चने को फ्रेंड्स उबालने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है, कच्चे चने से ही हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो इस चने को हम मिक्सर जार में डाल करके पीसेंगे। यहाँ पे मैंने जार में चने को डाल दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो बहुत पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही पेस्ट इसका हम रखेंगे। तो इस तरीके से पेस्ट को गाढ़ा रखना है। तो इसे अब हम एक मिक्सर बाउल में निकाल लेते हैं, चने के पेस्ट को। काफी टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स, प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी भी नाश्ता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कटोरी सूजी और साथ में 2 से 3 चम्मच दही। इसी के नाश्ता काफी टेस्टी बनता है, तो दही हमें बहुत खट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो खट्टा खट्टा लगने लगेगा। तो अब सूजी को चने के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी पानी नहीं डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चने को पानी से डालकर पीसा था और दही भी है, तो अभी इसको मिक्स करके रख देते हैं और बाद में अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हल्का फुल्का पानी डालेंगे। तो इसे अब हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो 5 से 6 मिनट फ्रेंड्स हो चुके हैं, देखिए जो बैटर था पहले से थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। तो अगर आपको ज़्यादा सूखा लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, पतला नहीं रखना है बैटर को हमें। मैं यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो बैटर है वो एकदम ठीक है, सही है, न तो सूखा है न तो बहुत पतला। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, इसे कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लिया हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा टमाटर, जिसका कि बीज निकाल लिया है, साथ में 1 बारीक कटी हुई प्याज और छोटा सा शिमला मिर्च। तो सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप बिना सब्जियों के भी इसे बना सकते हैं। तो हल्का सा मैं यहाँ पानी ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई लग रहे हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्जियां भी अपना फ्लेवर चने के साथ छोड़े और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनेगा फ्रेंड्स, और काफ़ी हेल्दी होने वाला है, और साथ में बहुत कम तेल का भी बनेगा। यहाँ पे बैटर अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तड़का। तड़के से ये काफ़ी टेस्टी लगता है, तो सिंपल सा तड़का है। डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब तेल अच्छे से हो गया है गर्म, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा और साथ में 1/2 चम्मच राई। तो दोनों को क्रैकल होने देते हैं। तड़के से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप नहीं चाहती तड़का लगाना तो बिना तड़के के भी इसे आप बना सकती हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस बैटर में तड़के को डाल के छोड़ देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है।
तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा खाने का सोडा, जिससे हमारा नाश्ता फुला फुला सा बने। तो जितना सिंपल है ये नाश्ता फ्रेंड्स, उतना ही टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी है। काला चना भी है और साथ में सब्जियां भी हैं, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमने लिया है एक कढ़ाई जिसके ऊपर हमने जिसमें पानी रख दिया है स्टीम होने के लिए, और ऊपर से रखा है हमने दूध वाली जाली। तो जाली को हल्का से ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेना है और कढ़ाई के ऊपर रख देंगे, और थोड़ा थोड़ा बैटर जो है वो जाली के ऊपर इस तरीके से फैलाएंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो कम तेल में, या फिर आप कह सकते हैं बिना तेल का नाश्ता है, बने बहुत ही अच्छे से। ये स्टीम भी हो जाता है, और अगर आप ऑयल फ्री नाश्ता चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना करके खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बैटर जाली के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे, जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, साथ में टेस्टी भी है, और यूँ कहें तो बिना तेल का है। तो 4 से 5 मिनट बाद मैं यहाँ पे ढक्कन को हटाती हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं और कड़े भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अच्छे से थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे। तो बहुत एकदम ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करेंगे कि हम नाश्ता जो है वो थोड़ा गर्मा गर्म खा सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जाली को नीचे उतार लिया है, अब हम इसे आसानी से टच कर ले रहे हैं ताकि हम इसे निकाल सके। तो इसे अब हम जाली पर से निकालेंगे। तो जाली से निकालने के लिए हम नीचे से उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर से इसे निकाल लेंगे, इसलिए ये निकल जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो इसी तरीके से जालियों को नीचे से प्रेस करते हुए हमें सारे नाश्ते को निकाल लेना है। तो लीजिए तैयार है फ्रेंड्स हमारे काले चने और सूजी का बिना तेल का नाश्ता, जो हेल्दी भी है और प्रोटीन से भरा हुआ है। तो गर्मी हो या ठंडी, आप किसी भी मौसम में इसे बनाकर खाइए, काफी टेस्टी भी है और बनाना भी काफी इजी और सब्जियों से भरा हुआ है। बड़े हो या बच्चे, सभी को पसंद। तो चलिए फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बिना तेल वाला नाश्ता कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज